कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के जुलूस के दौरान शुक्रवार को पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद अब राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के समर्थकों के साथ साथ जिला मुख्यालय के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व विधायक की माने तो जुलूस में उनका पैर पटाखे से झुलस गया है। उनका यह भी कहना है कि मंत्री के समर्थकों ने जानबूझकर उनके घर के सामने पटाखे फोड़े थे। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की पाक कार्य प्रणाली पर भी सवाल निशान लगाए हैं। दरअसल शुक्रवार को मंत्री प्रदीप जायसवाल का वारासिवनी विधानसभा में मंत्री बनने के बाद पहली बार वो स्वागत हुआ और इस दौरान नगर में विशाल जुलूस निकाला गया था। भाजपा के पूर्व विधायक का कहना है कि शुक्रवार की शाम वे अपने घर के सामने अपनी दुकान में बैठे थे, उस समय मंत्री का स्वागत जुलूस वहां पर आया और 20 से 25 मिनट तक जानबूझकर वहां पटाखे फोड़े गए। आज से पूरे बड़े बड़े बम फेंक रहा था चारों दिशाओं में, उसको पूरा मोहल्ला देख रहा था, सारे व्यापारी देख रहे थे उसको। हम चुपचाप बैठे थे, भाई खुशी है, मना रहे हैं। लेकिन दो बार उसने मेरी क्लिनिक की तरफ फेंका, उसके बाद कार के किनारे से आप देखो जा करके बिछा दी, जलनशील ईंधन है, कुछ भी होगा, उनका जुलूस भी है वहाँ। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के ऊपर लड़ को फेंकना, उछाल करके फेंकना और उनके जीवन से खिलवाड़ करने की उन्होंने हिम्मत दिखाई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा जिला डॉक्टर योगेंद्र के साथ में है।